विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ने पर वॉकआउट किया। विपक्ष नियम 67 प्रदेश में कानून व्यवस्था और नशे के खिलाफ कड़े कानून बनाने को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन स्पीकर राजीव बिंदल ने चर्चा की अनुमति नहीं दी। बिंदल का कहना है कि उन्होंने सरकार को इस बारे में निर्देश दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि स्पीकर सरकार को संरक्षण दे रहे हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर 64 मर्डर व 196 रेप के मामले सामने आ चुके हैं। इस तरह के ज्वलनशील मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है। इसके बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन में विपक्ष प्रश्नकाल स्थगित कर कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की मांग करता रहा। विपक्ष की ओर से नारेबाजी होती देख सत्ता पक्ष के नेता भी नारेबाजी करने लगे। इस हंगामे के बीच स्पीकर राजीव बिंदल ने प्रश्नकाल शुरू किया, लेकिन विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया। भाई आप नशे के मसले में आप फांसी का प्रावधान कर दें तस्करों को, आप जो है नशे के मामले में जो है गैर जमानती वारंट बनाएं, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उसमें जो है 5 ग्राम तक जो है जमानत का प्रावधान है वो रद्द कर दिया जाए, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएं, आप जो है इसका जो है सिर्फ पब्लिसिटी करें कि बड़ी बड़ी हस्तियों को जो है दिखा के अपनी फोटो खिंचाएं। लेकिन सर सरकार का आरोप है जब आप सत्ता में थे तो ये क्यों नहीं आपको याद आया, तब आपको ज्ञान थी? ऐसा है, सिचुएशन तो अब अलार्मिंग हुई, ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये हमारे पे आरोप लगाते थे। हम लोग तो सरकार में नहीं है, अब पहले थे, अब ये सरकार में है, सरकार में इनको कानून व्यवस्था ठीक इनको करनी है। पूरे प्रदेश का कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। आप खुद देखें कि अगर किसी प्रदेश में 64 मर्डर हो जाएं और 35 मर्डर के अटेम्प्ट हो जाएं और अगर 283 किडनैपिंग हो जाएं। और वहीं विपक्ष के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक स्टंट कर रहा है। कि हमने पहले ही कह दिया कि हर प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन नियम 67 के अंतर्गत जो हमने प्रस्ताव वो प्रस्ताव जो है मुझे लगता है उस दृष्टि से जो है वो उपयुक्त नहीं पाया गया, जैसे अध्यक्ष जी ने अपनी उस पर रूलिंग दी है कि एक प्रस्ताव में बहुत सारे मुद्दे शामिल करती है, जबकि नियम 67 की एक सेंक्टिटी है कि एकमात्र गंभीर विषय पर, अति गंभीर विषय पर ही उसको लाया जाता है, उस पर चर्चा होती है। और इस प्रकार से नियम 67 के उस प्रस्ताव की जो गरिमा है वो गरिमा भी गिरी है। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से जो बात रखी वहां पर कि ये सारे मामले इस प्रकार के हैं, कानून व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है, ड्रग माफिया पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, जो इनिशिएटिव हमने लिए आज तक सरकार ने उस प्रकार की न पहल की न प्रयत्न किए न प्रयास किए, और उसके पश्चात जो आंकड़ा वो मुझे मालूम नहीं कहां से वो आंकड़े लाए रेप के और उसके बाद दूसरे मर्डर केसेस के लाए। अगर इन तमाम इश्यूज पर अगर वो चर्चा करना चाहते हैं हम आंकड़ों के साथ उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और ये मैं कहना चाहता हूं पिछले 8 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था कांग्रेस की गवर्नमेंट के तुलना में जो है बेहतर है, इस बात को हम दावे से कह सकते हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कुछ घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं में जो शामिल आरोपी है वो जेल की सलाखों के पीछे है, ऐसे कोई भी इस प्रकार के मामले नहीं है कि घटना हुई और उसके बाद जो है जो आरोपी जो है वो फरार हैं पकड़े नहीं गए। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं आज का ये जो इनका नियम 67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव था ये राजनीतिक दृष्टि से एक मामला उठाने के लिए कि हमने बात कही, हमने अपनी बात जो है सदन के अंदर इस प्रकार से रखने की कोशिश की और राजनीतिक दृष्टि से उसका लाभ लेने के सिवाय मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई और।